अरे बाप रे, मर गए। स्नेक ने, अरे वही नहीं, कंट्रोल करो यार। मैंने तुम्हारी स्माइल को किलर बोला था यार, तुम्हें नहीं। पर बात बात पे तुम ऐसे गुस्सा क्यों करती हो यार? कमाल करती हो। पर ये मत बोलो कि हम लोग इंसानों के घरों में, तुम्हारे बिल में नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज यार। अरे गाइस, कम ऑन कम ऑन। चलो मासी तो गई, अब ये बताओ आप क्या पियोगे? अरे तू एक काम करे, मुझे तो इसका फोन ही पिला दे तू इसका। बस ये नो नो नॉट दिस, नॉट एम हैपनिंग है, कम ऑन। हे लुक एट दिस, इज फाइन मैन। सभी लड़कियों के ना सिर्फ एक ही पार्ट पे फोकस कर। Absolutely, you are right, man. Come on, you're so correct. काम करते हैं आज, अंकल के आने की खुशी में इसको डन करते हैं। Oh yes, yes. और मैं अपने बाकी के दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। Correct. मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुला लूँगा। परफॉर्मेंस पे रंज की पार्टी करते हैं और बाकी का काम भी वहीं कर लेंगे। तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ यार। क्या? शॉपिंग। रोहिणी की सौतन? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ये सारे वाहियात काम करने की जगह पर वो काम क्यों नहीं करते हो जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हो? रोहिणी, रोहिणी, एक्सक्यूज मी, ये काम मुझे कर दीजिए आप मुझे, प्लीज। यू नो व्हाट, जब मेरी बीवी के ऊपर कोई हुक्म चलाता ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कहना है ये दारू पीने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए नहीं बुलाए? सीरियसली, टाइम पास करने के लिए बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ? पता है हमें, लेकिन उसके लिए इतना जोर से चिल्लाने की या हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, because I think you're forgetting, I'm the boss here. लड़की वाले कहाँ से? अब मुंबई से। वो लड़की का परिवार वैसा ही है ना जैसा मैंने कहा था? हाँ दीदी, बिल्कुल वैसी है। और वो जो मंदिर और हवेली के पास, उन लोगों की काफी प्रॉपर्टी है। और वो सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम है? जी। परफेक्ट। जैसे ही शादी हो जाएगी उस सारी जमीनों पर हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उन जमीनों में से एक जमीन में मेरी जान बसी है, नागपड़ी। So then good, it's all sorted. और आ रोहिणी, अपनी जबान के साथ साथ अपने गुस्से पे भी काबू रखना सीखो। यही तो मैं बोल रहा हूँ, जहरील नागिन की तरह ये बस। तमीज से बात करो, बहन है वो मेरी, नाम है उसका। Let's all get ready now. वैसे दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली वाली लड़की को जिंदा रखना चाहिए था, वो बेटर थी। मैं बोले कि क्या जरूरत थी? वो लड़की मरने के ही लायक थी, उसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं था। और बिना मतलब के सुमित्रा कोई काम नहीं करती। जहां तक बात रही नागमणि की, उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगी।
कंसीडर गोन। ठीक है खाना ही नहीं खाया, ऐसे छोड़ दिया, वेस्ट कर दिया। भूख नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? मारना मैं। अरे मैं मार थोड़ी रहा हूं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगे तो कुछ नहीं करूंगा। हाँ गुड बॉय। और ये क्या पहना हुआ है? हाँ रामू काका वाले कपड़े पहन के आ जाते हैं, जो समझ में आया वो पहन दिया। बैठ यहाँ पे, टेस्ट का पता ही नहीं है। कपड़े देखो अच्छे बच्चों की तरह ने पकड़ो। हाँ और एकदम प्यार होगा ना, स्मार्ट बन के, गुड बॉय बन के नीचे आ जाओ। लड़के वाले आने वाले है ना, चलो। क्यों क्यों? अरे यार तुम्हारी भूल नहीं याद, तुम्हें बहुत परेशान हूँ। लड़के वाले आएंगे, शादी होगी तुम्हारी, माँ ने बताया था, भूल गए? पर मैं शादी कैसे करूंगा? शादी कैसे करूंगा मतलब? अरे बीच में होती है आग, उसके साथ 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 चक्कर काटने हो तो होगी शादी, क्या बड़ा काम है उसमें। गुड बॉय, चलो फटाफट रेडी होकर नीचे आ जाओ।